हार है। कहना यह है कि पाठक का YouTube चैनल चला रहा इंग्लिश भाई पाठक, ठीक है, समाज में पूरे उत्तर प्रदेश में लड़के इसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ में उन लड़कों की एक मांग है, मांग सुनना चाहो, मांग यह है कि सर जी आपकी तरह के ही अगर अध्यापक मिल जाए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, तो हम लोगों का जीवन जो है सुधर जाए। इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि बेटा कानपुर में बहुत ज्यादा टैलेंट है शिक्षा के मामले में। इस समय उत्तर प्रदेश में कानपुर में शिक्षा का स्कोप भी है और यहां पर टैलेंटेड लोग भी पढ़ाते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं, समझ। तो जो अध्यापक गण समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन्मुख तरह से साफ साफ बता रहे हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको हम ये सलाह देते हैं कि वे भी यानी कि YouTube पर अपने ज्ञान को बिखेरें। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, व्यय करो दुनिया आपको सलाम करेगी। जिसके अंदर टैलेंट है सबको सलाह देते हुए कि जो अध्यापक गण टैलेंट है, ये तो पक्का टैलेंट है, कि जो अध्यापक गण पाठक से जुड़ना चाहते हैं उनको सलाह ये देते हैं कि वह अपने डाटा एक्सपीरियंस नीचे दिए गए ईमेल पर भेजें। पाठक हम उनको बुलाएंगे, साफ साफ बात है, साफ सुन लो, हम उनको बुलाएंगे, वह अपना डेमो देंगे और वह डेमो हम अपने विद्यार्थियों के बीच में भेजेंगे। अगर हमारे विद्यार्थी ओके कर देते हैं, हमारे घर के विद्यार्थी नहीं होगा, समाज के हैं, एक से एक टैलेंट है, समझ लो ध्यान से, विद्यार्थियों के अंदर भी टैलेंट है, अगर वे उसे लाइक करते हैं, कहते हैं गुरुजी ओके है, तो हम जो है उनको अपने चैनल से जोड़ेंगे। हमारे सुनन बाकी तो आप समझ रहे होंगे, जो लाभ हानि होगी देखा जाएगा, लेकिन उससे एक नाम भी होगा। समाज में नाम करना चाहते हो ना, तो नाम करने के लिए भाई कोई लिंक होना चाहिए, तो इसके लिए धन भी चाहिए और नाम भी चाहिए, ये इसीलिए तो पढ़ा रहे हो, हाँ? हमारी बात सुनो ना। तो जो भी अध्यापक गण पाठक छोड़ना चाहते हैं, वह अपना डाटा एक्सपीरियंस पाठक के पास ईमेल पे भेजें। हमारी बात सुनो, हम उनकी डेमो लेंगे और अगर हमारे लड़के, हमारे विद्यार्थी जो हमसे टच में हैं, लाइक करते हैं, तो वो भी पाठक के साथ यात्रा करेंगे, समझे ना। इन द फ्यूचर थी, भविष्य में उनका भी अपना आगे बढ़ा होगा, बस यही। थैंक यू, धन्यवाद।